यशोधरा पुलिस ने 4 महीने पहले हुई चोरी का पर्दाफाश किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी गया सामान भी जब्त किया है। यशोधरा थाना क्षेत्र में 13 मई 2021 को फिरियादी निमजे इनके ऑफिस में चोरी हुई थी। इस घटना में चोरों ने निमजे इनके ऑफिस से कंप्यूटर और उसके सामान पर हाथ साफ कर दिया था, जिसकी कीमत 22,500 रुपए बताई गई थी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी। 28 अगस्त को पुलिस को गुप्त जानकारी मिली कि इसमें शामिल आरोपी टीपू सुल्तान रोड से जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने परिसर में जाल बिछाकर आरोपी इकबाल अहमद एहसान को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ करने पर वारदात की जानकारी दी और चोरी गया कंप्यूटर उसी के घर पर होने का बताया। पुलिस आरोपी से एक कंप्यूटर और एक दोपहिया वाहन जब्त किया है। आगे की जांच पुलिस द्वारा चल रही है। दिनांक 1/9/2021 ला आम्ही आमच्या डीबी पथकातील स्टाफ सह पेट्रोलिंग करत असताना आम्हाला आमच्या गुप्त बातमीदाराकडून माहिती मिळाली की एक इसम त्याच्या वाहनावर बसून प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिकच्या दुकानात जाऊन त्याच्याजवळ असलेला कॅम्प्युटर CPU आणि इतर साहित्य विकण्याच्या तयारीत आहे। त्यावरून आम्ही नमूद संशयित इसमास ताब्यात घेऊन त्याला त्याच्याकडे असलेल्या कॅम्प्युटर CPU बाबत विचारणा केली असता तो त्यांनी वांजरा येथून चोरी केल्याचे सांगितले। तो आम्ही लगेच स्टाफच्या मदतीने ताब्यात घेऊन त्याला त्याच्याकडे असलेल्या वाहनाबाबत विचारपूस केली असता तो त्याबाबत उडवाउडवीचे उत्तर देऊ लागला। त्याबाबत आम्ही त्याला कसून चौकशी केली असता त्याने ती गाडी बारसे घाट पाचपावली येथून चोरल्याचे कबूल केले। त्याबाबत आम्ही पोस्टे पाचपावली येथे अभिलेख तपासून पाहिले असता तिथे याबाबत 427/21 कलम 379 असा गुन्हा दाखल असल्याचे समजले। दोन्ही गुन्ह्यात नमूद आरोपीकडून 72,500 रुपयाचा माल हस्तगत करण्यात आलेला आहे। पुढील तपास सुरू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे, BCN News नागपूर।